हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स सुष्मिता रेसिपी में आपका स्वागत है। आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे चावल के आटे की दास्ता। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी को, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा ये रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। इसे बनाने के लिए हम इस बर्तन में 2 कप चावल का आटा डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा। इसमें डाल देंगे 2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। फिर इसमें डाल देंगे 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब ये बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, टमाटर और प्याज सभी को हम डाल देंगे इसमें। सभी को डाल दिए हैं अच्छे से। अच्छे से मिला देंगे। ये रेसिपी को आप जरूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। आप बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आए। आप बच्चे के टिफिन में दे दीजिए, वो टिफिन पूरे अच्छे से ख़त्म करके आएंगे। अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बैटर बना लेंगे। इस तरह का हम बैटर बना लिए हैं। अब बैटर को रेस्ट होने के लिए रख देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद फिर से हम इसे मिला देंगे। अच्छे से फूल चुका है ये देखिए। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पर तवा गरम होने के लिए रखे हैं। इसमें थोड़ा सा तेल लगा देते हैं तवा पर। अब हम इसमें ये बैटर डालेंगे, 1 कलछा बैटर को डाल देंगे और इस तरह से फैला देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे। तो ये देखिए आसानी से पलट जाएगा ये देखिए। अब हम इसमें थोड़ा सा और तेल लगा देते हैं पीछे के साइड में। उलटते पलटते हुए हम इसे मीडियम फ्लेम पर ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये नाश्ता बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं ये नाश्ता। अच्छे से हम सेक लिए हैं। अब इसे हम निकाल देते हैं प्लेट में। ये देखिए अच्छे से बन चुका है। सभी को इसी तरह से बना लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी नाश्ता को हम बना लिए हैं ये देखिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस।